A very warm good afternoon to all of you. कैसे हैं आप? Respected director sir, respected principal ma'am, all my lovable teachers और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हम लोग क्यों इकट्ठा हुए, बहुत सारी बातें हुई हमारे स्वामी विवेकानंद जी के लिए. इन सबों के साथ मैं आज हमारे जनरल सेक्रेटरी सर डॉक्टर एहसन सर के लिए आज उनको याद करूंगी, उनके बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगी. आज ये जो तीन कॉलेजेस हैं हमारे, तीन बीएड कॉलेजेस और भी इंस्टीट्यूशन हैं, इंटर कॉलेज है सर, हाई स्कूल चल रहा है, लड़कियों का कॉलेज, लड़कियों का स्कूल चलता है, इन सबों की बीच का सपना हमारे डॉक्टर एहसन सर ने 1986 में से पहले देखा था और उसकी नींव गैस की स्थापना इसका बीज 1986 में डाला था. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को उसका कारण बताना चाहूँगी. राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाते हैं और इसी सपने को आगे बढ़ाते हुए हमारे स्वर्गीय जनरल सेक्रेटरी सर ने एक सपना देखा और आज वो सपना एक कॉलेज के साथ साथ तीन कॉलेजेस में परिवर्तित होकर, जैसे एक बीज होता है आगे स्प्रिंकल होता होता आगे बढ़ता है, तो आज ये तीन कॉलेजेस में परिवर्तित हो चुका है. प्लस इसके अलावा और भी सारे इंस्टीट्यूशंस सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं. और ये मेरा पर्सनली मानना है कि तक्षशिला में बरकत बहुत है, ऐसा मैं पर्सनली फील करती हूँ, आप लोग भी भविष्य में फील करेंगे. अब हम लोग आते हैं अपने मूल मुद्दे पर. आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी की सिर्फ एक कोटिंग बताना चाहूंगी, एक घटना का जिक्र करना चाहूंगी कि जब वो 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन के लिए शिकागो गए थे तो उनसे किसी सज्जन ने पूछा कि आपके यहाँ महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया, क्या आपके यहाँ महारानी एलिजाबेथ सब लोगों से हाथ मिलाती हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ एलिजाबेथ तो महारानी है, और किससे क्या मजाल है कि मतलब लोग उनसे जो है हाथ मिला पाए. तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हर महिला हमारे लिए महारानी एलिजाबेथ. मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने इतना कीमती वक्त निकाला और हम सब लोग मिल बैठ के उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं. इसके सारे टीचर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी, अपने सारे टीचर्स को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, स्पेशली परवेज सर, प्रिंसिपल मैम और कविता मैम जिन्होंने उनके विचारों की कुछ झलकी हम लोगों को दिखाई. मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी हमारे अनिल सर को जिनके बिना हमारे कॉलेज का कोई प्रोग्राम पूरा हो ही नहीं सकता है. अ वेरी लॉन्ग अप्लाउड. और अब मैं आप सब बच्चों को वेरी काइंड एंड प्रेशियस ग्रेटिट्यूड देना चाहूंगी. यू आर द ज्वेल ऑफ द इंस्टीट्यूशन. आपके बगैर ये कॉलेज, हम, बिल्डिंग, क्लासेस, इवेंट कुछ भी नहीं है. So a very welcome and very good round of applause to you all. आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की, हर बार करते हैं और हर बार एक प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाते हैं. एंड विद दीज वर्ड्स मैं स्वामी विवेकानंद की एक कोटिंग जो कई बार कही जा चुकी है आज के प्रोग्राम में लेकिन फिर से कहना चाहूंगी, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल यू अचीव योर गोल. आपका गोल है CET एंड प्लस आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और उससे भी बड़ा गोल है आप लोगों के लिए एक अच्छा इंसान बनना. थैंक यू ऑल, हैव अ वेरी गुड डे.